के ओर से छह वायदे हमने किए हैं, जिसको हम छह गारंटी बोलेंगे। कर्नाटक में हमने ऐसा ही किया, वहां पांच गारंटी दिए और पांचों गारंटी अब चल रहे हैं। और हमने वायदा किया, चार गारंटी तो पहले हम इंप्लीमेंट किए, सब तरफ चल रहे हैं, और एक गारंटी को भी आपसे हमने समय पूछा है, वो भी अब नवंबर से शुरू होगा। इसीलिए मेरे भाइयों, यहां पर भी मां लक्ष्मी 2500 ये हर महीना हमारे लेडीज को दिया जाएगा, महिलाओं को दिया जाएगा, और किसानों को 15,000 रुपये हर महीना, सॉरी पर एकड़ को 15,000 रुपये, जो लीज होल्डर हो चाहे वो किसान, और 12,000 रुपये जो काम करने वाले जो मजदूर है, किसान मजदूर है, जिसके पास जमीन नहीं है, ऐसे आदमी को भी हम 12,000 रुपये साल में। और जो हमारी पैड़ी इसको क्या बोलते हैं, दान जो हम उसको एक सब्सिडी के रूप में बोनस दे रहे हैं, वो भी 500 रुपए पर क्विंटल। और एक गृह ज्योति योजना हमारी है, वो 200 यूनिट सब हर घर को इसका फायदा होगा, और हर मंथ में ये दिया जाएगा। और महत्व का ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट सारे दुनिया में फेमस है, क्यों फेमस है कि इंदिरा गांधी यहां से ठहरे थे, जब मेरठ को जीते तो सारा दुनिया मेरठ के तरफ देखने लगा, ये लोगों ने जीता, सारे हिंदुस्तान के लोग भी कहने लगे मेरठ के लोग अच्छे हैं, और उन्होंने भारी बहुमत से चुन के लाए। इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद भी देता हूं, और वही मेरठ में हम ये पूरे वायदा कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी चुन के आने के बाद तीन बड़े बड़े फैक्ट्रीज यहां पर बनाए, यहां पर BHEL का बना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना, और एक हमारे जो कौन सा अपना तीसरा भी एक BHEL को बोला ठीक हो, और ये और जो फैक्ट्री वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये तीन फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं, और इसको बेचने का काम मोदी कर रहा, उसको सपोर्ट कौन कर रहे हैं, बीआर उसको सपोर्ट कर रहा है, और दोनों एक ही है, जैसे एक रुपये के तो जो सूरत होते हैं, एक तरफ आप देखेंगे तो
मोदी दिखेगा, दूसरे तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर के केसीआर दिखेंगे। तो ये भी टीम एक ही, दोनों एक ही है और दोनों एक होके हमको डराना चाहते हैं। हम डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम आज से पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। इस देश को आजादी दिलाने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के हैं। जनता के आजादी के लिए लड़ने वाले लोग कांग्रेस के हैं। देश का संविधान बनाने वाले लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उन्होंने हर जगह इलेक्शंस करवाए। पहले तो हमारे माँ बहनों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, ब्रिटिश के जमाने में भी। ब्रिटिश के जमाने में कौन वोट डालते थे? बड़े बड़े जमींदार, साहूकार, इनकम टैक्स देने वाले, वो लोग ही वोट करते थे। लेकिन देश का संविधान जब जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर मिलकर उन्होंने कहा गरीब से गरीब आदमी को वोटिंग का अधिकार है और अमीर को भी वोटिंग का अधिकार है, वो दोनों वोट बराबर है, उसकी कीमत बराबर है। ये जो हमने क्रांति लाई, आज आप देख रहे हर जगह कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है। ये किसका देन है? ये कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी जी ने जिला पंचायत, तालुका पंचायत सब में उन्होंने हिस्सा दिया। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, जो पार्टी आपके लिए लड़ती है, आपके हकूक के लिए लड़ती है, डेमोक्रेसी के लिए लड़ती है, संविधान बचाने के लिए लड़ती है, उसको आप मदद करो। ये केसीआर सब टाइम, अब मैंने किसी जगह बोला कि अरे भाई तेलंगाना किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, सोनिया गांधी ने दिया। और उसका तो महीना तो कांग्रेस वाले किए, सोनिया गांधी ने की, तो आज फायदा कौन खा रहे? आज बीआरएस ये कहती है कि हमने बहुत कुछ किया। अरे बाबा तुमने क्या कहते? अगर हम तुमको ये देते नहीं तो तुम मुख्यमंत्री नहीं बनते थे, और मुख्यमंत्री बने हमारे वजह से बने। और वो आज आपने जो लोगों को आज जो मदद करना चाहिए वो मदद नहीं, हर जगह घोटाला। वो कौन सा एक बहुत बड़ा डैम, कालेश्वरम डैम, उसमें घोटाला, चावल में घोटाला, खाने पीने में घोटाला, हर जगह घोटाला। घोटाला करते करते आज ये लोग फिर आ रहे, नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे। और वो गालियां किनको देते हैं? जिनसे उनको फायदा मिला उस कांग्रेस पार्टी को देते हैं, और राहुल गांधी को देते हैं, सोनिया गांधी को देते हैं, हमको देते हैं। अरे भाई मेहनत, इसीलिए मैं बोला एक जगह, मेहनत करे मुर्गी साहब, अंडा खाए फकीर साहब। ये हम मेहनत कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं किया। तुम क्या किए भाई? तुम कुछ नहीं, सिर्फ देश, ये हमारे तेलंगाना के ऊपर कर्जा रखे। कितना कर्जा रखे? पहले तो फायदे में था, तेलंगाना के ऊपर कर्जा नहीं था, एक पाई का कर्जा नहीं था,
खुशहाली थी, कभी किसके नीचे झुकने का नहीं था। लेकिन ये आए साहब, ये साहब आने के बाद आज तेलंगाना के ऊपर 5 लाख करोड़, ठीक है, 5 लाख करोड़ कर्जा, 5 लाख करोड़ कर्जा तुम्हारे ऊपर है, तुमको देना है। वो तो जाएंगे, खर्च करेंगे, जाएंगे। तो ये जो है, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। तो आप लोग कांग्रेस के पीछे ठहरो। रेवंत रेड्डी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट है और हमारे और हमारे कैंडिडेट जो है रोहित राव और राजीव रेड्डी कैंडिडेट, ये जो है हमारे हाथ के निशाने पे है। इसीलिए हाथ के निशान पर श्रीनिवास रेड्डी भी है, बिल्कुल। तो इसीलिए सबको आप चुन के लाएंगे, मेरा विश्वास है। और फिर आपसे मिलेंगे और सभी लोग आप मजबूत के साथ ठहरो। उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई ओन दो, केसीआर ओन दो, मोदी ओन दो, शाह ओन दो, डरो मत, डरे तो मरे, डरो मत। ये एक कदम आगे बढ़ाओ, अब सभी मिलके आप चुनाव में जीत के लाओ। हाँ, हनुमंत राव तो सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी ने मेरी बात को सुनी, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, आदाब। अंदर इकने उंडंडी, सार वेल्तडु।